गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम हैं चेरापूंजी में, नोखालिकाई वाटरफॉल के पास हैं। अभी अपनी कार है, अभी चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। ये लो भाई, आगे कार के अंदर। अभी चलना है कहाँ पे नेक्स्ट लोकेशन? डेंटिन फॉल्स। हाँ, डेंटिन फॉल्स। कितना किलोमीटर है यहाँ से? काफ़ी दूर है। बाहर ठंडी लग रही है इतना धूप में भी, और अभी अंदर आ गया हूँ, अच्छा लग रहा। थोड़ा क्या बोलते हो? अच्छा लग रहा है। गाड़ी स्टार्ट करें? यस, कर लेते हैं भाई। चलो, ये हो गया न्यूट्रल अपना। चलो घूमे और चलो चलो भाई चलो। सो अभी कौन सा वाटरफॉल? अभी हम पहले जा रहे हैं डेंकलिन। डेंकलिन? अभी डेंकलिन वाटरफॉल जा रहे हैं, और रात को इधर ही रास्ते में भटक रहे थे भाई। बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है ये, अभी दिखाता हूँ, क्योंकि रात में तो ज़्यादा लग रहा था अभी। और ये रहा रिसोर्ट भाई, बहुत ज़्यादा इधर रेट है रिसोर्ट का, 3,000-4,000 ऐसा मिनिमम चार्जेज है इन लोगों का। हम तो रुके हैं होम स्टे, जिसका रेट है 1500 रुपया 3 लोगों के लिए, काफ़ी अच्छा है। और खाना तो भाई पूछो ही मत, दबा के खाया था। बस यही समझ लो कि दबा के खाने का मतलब क्या होता है। अभी यहाँ से 6 किलोमीटर और ना 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर है वाटरफॉल। एक छोटकू सा इधर भी आवाज़ कर रहा था, तो चलते हैं पहले वाटरफॉल, फिर आपसे बातें करते हैं। ये रहा कुछ रोड ऐसा, देखो उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़। सो गाइज, यहाँ पे तो प्लान किया था, ये जो ट्रैक है एक वाटरफॉल है, मौसा, लेकिन मौसा, वाका मौसा क्या क्या है पता नहीं, मौसा मौसी वाटरफॉल। हाँ, तो ये अभी सूख चुका है नहीं, कुछ नहीं है। तो आगे चलते हैं, क्योंकि भाई साहब गए थे तो बता दिए, धन्यवाद हो उनका, धन्यवाद हो उनका। तो चलो आगे चलते हैं भाई। आ गए हैं कौन सा डेंटिन डेंकलिन वाटरफॉल के पास आ गए हैं। ये देखो कितना गहरा है इधर। पहले यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ भाई, जल्दी जल्दी करना सनसेट होने से पहले। अच्छा, इधर से कुछ दिख नहीं रहा, आगे दिख चलते हैं। ओह, वाटरफॉल दिख रहा है। यहाँ पे आप नहा सकते हो आराम से, क्योंकि बहुत लोग नहा रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहा सकते हो आप। चलो इधर कुछ भी नहीं, आगे ये देखो यहाँ से दिख रहा वाटरफॉल। अच्छा अच्छा है, जहाँ से वाटरफॉल गिर रहा है वो ये लोकेशन है। अच्छी बात है यहाँ पे एंट्री नहीं है, क्या बोलते हो? कुछ नहीं है यहाँ पे भाई, कुछ नहीं है। कहाँ तक है? हाँ, ये रहा वाटरफॉल। अच्छा, बड़ा वाटरफॉल है, वहाँ तक चलते हैं, ज़्यादा दूर तक चलेंगे नहीं भाई। अच्छी जगह है, आ जाओ बिंदास, आ जाओ एकदम। ये देखो पानी इधर से आ रहा है, ये देखो पानी भाई, देखो आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, वापस उधर जा रहा है। ये भाई पानी यहाँ से नीचे जा रहा है उस एकदम नदी में, देख सकते हो यहाँ से दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से एक लोकेशन देखता हूँ वाटरफॉल कैसा दिख रहा है। अच्छा, इधर से भी आवाज़ आ रहा है। ओहो, ये देखो भैया हम आ गए हैं वाटरफॉल का सबसे अच्छे वाले लोकेशन पे। ज़्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन भाई बहुत डेंजर है। बाकी भाई ये लोकेशन काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो पूरा
बहुत ही खूबसूरत है। बारिश में तो डेफिनेटली ये पानी से भरा रहा होगा और फिसलन, लेकिन अभी ना काफ़ी अच्छा जगह ही है टाइम स्पेंड करने के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रुकते हैं, आगे निकलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, क्योंकि 3 वाटरफॉल और है, देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखो पूरा निकलते हैं, क्या करते हैं, निकलते हैं नवीन भाई। पीछे देखो भाई, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। चलते हैं गाड़ी के पास, गाड़ी भी अपना काफ़ी दूर है। विदाउट माइक आवाज़ कैसा आ रहा है ज़रा बताइए। यहाँ से निकलते हैं नेक्स्ट वाटरफॉल, क्योंकि जल्दी जल्दी में है थोड़ा सा, इसलिए 3 वाटरफॉल 4 वाटरफॉल और कवर करना है अपने को, और पता है ना शाम इधर बहुत जल्दी हो जाता है। और कौन सा है? सो चलते हैं दूसरा वाटरफॉल, अभी लेफ्ट में ही जाना है। नाम क्या है? नाम तो गोपाल को पता है, अपने को तो पता नहीं है भाई, सीधी सी बात, नो बकवास। यस 30 रुपीज फॉर पार्किंग, ओके जस्ट अ मोमेंट। सो भाई हम अपने आगे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, ये रहा क्या प्रोनाउंस करोगे, प्रूत वाटरफॉल, लेट फ्लैंडली डॉप भाई, थोड़ा सा प्रोनाउंस में प्रॉब्लम है, वो वीडियो में देख लेना अच्छे से पॉज करके। सो यहाँ पे ये देखो, पढ़ सकते हो पॉज करके, क्या है एंट्री फीस। सो जैसा कि भैया ने बताए थे ना कि आज 3 वाटरफॉल और बचा है, इसका छोड़कर 3 वाटरफॉल और, तो अभी जो टाइम हो रहा है वो बता देता हूँ, 2:30 बज रहा है। तो उनसे मैं पूछा कि आज हो जाएगा, बोले कि हाँ हो जाएगा आज, तो जल्दी से करेंगे यहाँ पे, देखते हैं वाटरफॉल में देखना क्या है यार, अभी 2-3 तो वाटरफॉल तो दिखाई दिया। सो देखते हैं, फिर भी आ गए हैं भाई, एंट्री चार्जेज यहाँ पे हर जगह है, 20 रुपीज़ पर पर्सन प्लस 30 रुपीज़ पर कार, तो टोटल 3 लोगों का 60 रुपया, 30 रुपये 90, 30 रुपया कार का, तो 90 रुपये हो गया टोटल। तो भाई चलते हैं आगे, पता नहीं कितना लॉन्ग है कितना लंबा है, चलते हैं। ब्लू स्काई दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे स्काई ना काफ़ी क्लियर है, इसकी वजह से ब्लू स्काई आपको हर जगह कैमरे में भी दिखेगा। ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, ये रहा शायद गेट, ये देखो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो भाई चलते हैं वाटरफॉल के पास, देखते हैं कैसा है, फिर आपको बताते हैं। थोड़ा सा जो सीढ़ियाँ हैं ना, ये देखो वहाँ से जो चालू है, इधर से इधर है, थोड़ा सा स्टीफ है, उतरते तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उतरते समय, लेकिन चढ़ते समय डेफिनेटली थोड़ा सा आपको स्टेमिना लगाना पड़ेगा। चलो देखो, हो लोकेशन तो अच्छा है भाई, अभी अरे इधर से भी कुछ जाने के लिए रास्ता है आई थिंक, लग रहा है, और पहुंच ही गया भाई, अभी दिखाता हूँ कि कहाँ पे पहुँचे हैं। ये देखो, देख रहे हो, ओहो बहुत अच्छी लग रहा है यार, बस थोड़ा सा पानी कम है, अदरवाइज ये काफ़ी खूबसूरत है, अगर थोड़ा सा और फ्लो रहता तो भाई ये काफ़ी मज़ा आ जाता है, सच में भाई वर्थ है आना इधर। अभी बताता हूँ, ये लो भाई नज़ारे, एकदम अल्टीमेट नज़ारे हैं भाई, देखो तो सही क्या लग रहा है। ओ पानी इधर गिरा, सही है ना, क्या बोलते हैं, सही है, सही जगह है, सही जगह है भाई, चलते हैं अभी, देखते हैं। एक ट्रेल तो ऊपर है, पता नहीं जाने का प्लान तो है, लेकिन तो भाई इस ब्यूटीफुल वाटरफॉल को भी बाय करते हैं, यहाँ से निकलते हैं आगे, क्योंकि और 2-3 वाटरफॉल अपने को कवर करना है, तो चलते हैं आगे।
क्या बोलते हैं नवीन भाई? एकदम चले आगे, चलते आगे। सो गाइज अभी थे हम वहाँ पे, इधर से एक रास्ता आया हुआ है, इधर से ये अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल के नज़दीक एकदम। आपको दिखाते हैं भाई, एकदम दिखाएंगे। अरे भाई ये तो नेक्स्ट लोकेशन, एकदम नेक्स्ट लेवल का एकदम ये नज़ारा है भाई। ये लो भाई, ये देखो ऊपर से गिर रहा है, इधर को गिर रहा है, और नीचे जाते हैं। ये देखो सच में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी और थोड़ा आगे चलते हैं। Oh my God, इधर पानी का इधर से ज़्यादा गिर रहा है। इधर उधर जाएंगे नहीं क्योंकि भीग जाएंगे, जाएंगे तो भीग जाएंगे। ये लो भाई एकदम नज़दीक में, एकदम नज़दीक, बस यहाँ से पानी गिर ही रहा। आपको दिखा दो, देखो भाई बोलोगे कि ज़्यादा एडवेंचर करो, नहीं बिल्कुल ये सेफ है, यहाँ से देख सकते हो। उधर से इधर से चढ़ के आ, इधर से बिल्कुल चढ़ के आ सकते हो। और भाई नज़दीक, कितना नज़दीक है, देखो देखो ये देखो, ऐसा भी देखो, इधर से पानी गिर रहा है। तो अभी यहाँ से चलते हैं, अब इस लोकेशन को भी बाय बाय बोलते हैं, चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे भैया, नहीं तो अपन लेट हो जाएंगे। क्योंकि लेट हो जाएंगे तो फिर अंधेरा हो जाएगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा यार। ऐसा आज तो अपना होटल बुक है, कोई टेंशन नहीं है। कल टेंशन थी क्योंकि होटल अपने को मिल नहीं रहा था, इसके लिए चलते हैं। सो गाइज ये भी वाटरफॉल कंप्लीट हो गया अभी, क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रैक के लिए आपको अराउंड 300 मीटर आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा, बट भाई सही लोकेशन है। तभी हम आ गए अपनी गाड़ी के पास, चलते हैं नेक्स्ट वाटरफॉल की तरफ।